सबसे पहले आप सभी रिपोर्टर्स को गुड मॉर्निंग। मैं स्वागत करता हूं श्री ललित कालरा जी, प्रिंसिपल जेएनबी ओडा सिरसा। उसके साथ में मैं स्वागत करता हूं प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 सिरसा श्री सुरेश कुमार जी, और आप सभी रिपोर्टर्स जो इस प्रेस वार्ता पे आए हैं उन सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की जो प्रेस वार्ता है उसका मुख्य उद्देश्य जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसकी तीसरी वर्षगांठ हम मना रहे हैं, और ये संयोग की बात है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दूसरे अखिल शिक्षा समागम का भी उद्घाटन 29 जुलाई 2023 को ITPO प्रगति मैदान दिल्ली में कर रहे हैं। और ये जो तीसरी वर्षगांठ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, वो हर एक स्टेक होल्डर को और पूरे भारतवर्ष में, ताकि लोग जान सके कि हमारी शिक्षा नीति क्या है और हम किस प्रकार से अपने आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित करेंगे, किस प्रकार से हम जो हैं अपने बच्चों को शिक्षा दे करके उनको स्किल्ड करेंगे, ट्रेंड करेंगे, उसके संदर्भ में ये जिला स्तरीय सिरसा ज़िले की एक प्रेस वार्ता यहाँ पर की जा रही है। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो विज़न है, भारत को ग्लोबल लेवल पर एक एजुकेशन में वाइब्रेंट ट्रांसफॉर्म करना, बच्चों को स्किलफुल एजुकेशन प्रोवाइड करना, बच्चों को ग्लोबली इंटीग्रेट करना, मीनिंग इज़ दैट इंटीग्रेटिंग ग्लोबल विद लोकल एंड आल्सो वोकल फॉर द लोकल एंड टू प्रमोट द थिंकिंग लर्निंग इंस्टेड ऑफ रोट लर्निंग, जो हमारी रटंत प्रक्रिया है उसको हम छोड़ करके हम सीखने पर और समझने पर इस शिक्षा नीति के तहत उस पर जोर दिया जाएगा।